हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सभी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वसुधा भाग 6 का पेज नंबर 55 निकाल लीजिए और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा विकार वचन। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संज्ञा शब्दों में लिंग शब्दों के कारण बदलाव आ जाता है, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि वचन के कारण भी संज्ञा शब्दों में बदलाव आता है। बच्चों, आज हमारा वचन टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य व्यक्ति, प्राणी, पशु पक्षी एवं वस्तुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त करना है। ये संख्या में एक भी हो सकते हैं और अधिक भी। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं संज्ञा का दूसरा विकार वचन। वचन यानी संख्या, इसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं। तो आइए कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। लड़का, लड़के, सड़क, सड़कें, गुब्बारा, गुब्बारे। यहाँ लड़का एक है और लड़के अनेक होने का बोध करा रहे हैं। सड़क यानी एक सड़क, सड़कें यानी अनेक सड़कें, गुब्बारा एक गुब्बारा, गुब्बारे अनेक गुब्बारे। तो बच्चों, इन शब्दों को और इन चित्रों को देखकर हमें पता चला कि जो शब्द हमें एक या अनेक होने का बोध कराते हैं वे वचन कहलाते हैं। लेकिन बच्चों, केवल संज्ञा शब्दों से ही नहीं बल्कि सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भी वचन की पहचान होती है। तो आइए कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं। वह नाचता है, वह यहाँ सर्वनाम शब्द है, नाचता है क्रिया शब्द है यानी एक्शन वर्ड्स। नाचता है क्रिया यहाँ एक होने का बोध करा रही है, इसलिए वह सर्वनाम शब्द भी एक का बोधक है। अगला वाक्य, वे नाचते हैं। वे यहाँ सर्वनाम शब्द है, नाचते हैं क्रिया शब्द है। यहाँ नाचते हैं क्रिया अनेक होने का बोध करा रही है, इसलिए वे सर्वनाम शब्द भी अनेक होने का बोधक है। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक और अनेक का निर्धारण करने में कठिनाई होती है। ऐसे शब्दों से पहले वाक्य बना लिया जाता है और उनके साथ क्रिया का रूप देखा जाता है। जैसे इस वाक्य में पढ़ते हैं, किसान हल चला रहा है। किसान यहाँ संज्ञा शब्द है, चला रहा है क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द से हमें पता चला कि यह एक होने का बोध करा रही है, इसलिए किसान भी एक होने का बोधक है। अगला वाक्य, किसान हल चला रहे हैं। किसान यहाँ संज्ञा शब्द है, चला रहे हैं क्रिया शब्द अनेक होने का बोधक है, इसलिए यहाँ किसान शब्द भी अनेक होने का बोध करा रहा है यानी यहाँ अनेक किसानों की बात हो रही है। तो बच्चों, हमने जाना कि केवल संज्ञा शब्दों से ही नहीं बल्कि सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भी वचन की पहचान होती है। तो बच्चों, आओ हम अपनी वसुधा बुक के पेज 55 पर चलते हैं, जहां बुक में दिए गए कुछ उदाहरणों को पढ़ेंगे और एक और अनेक के बारे में और विस्तार से जानेंगे। पहला वाक्य मेरे साथ साथ पढ़िए। लड़की खेल रही है, कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ लड़की और कुत्ता शब्द उनके एक होने का बोध करा रहा है और उनके साथ लगी क्रिया खेल रही है और भौंक रहा है भी एक होने का बोधक है।
अगला वाक्य, लड़कियां खेल रही हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। यहाँ लड़कियां और कुत्ते उनके अनेक होने का बोध करा रहे हैं और उनकी क्रियाएं खेल रही हैं और भौंक रहे हैं भी अनेक होने का बोधक है। तो चलिए पेज नंबर 56 पर चलते हैं, जहां वचन की परिभाषा को मेरे साथ साथ आप भी दोहराएंगे। आप भी पेंसिल से वचन की परिभाषा को मार्क कीजिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो वह वचन कहलाता है, अर्थात जिस शब्द से हमें एक या अनेक होने का पता चले वह वचन कहलाता है। अब हम वचन के भेदों के बारे में जानेंगे। हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन यानी सिंगुलर, बहुवचन यानी प्लूरल। आइए पहले एक वचन की दी गई उदाहरणों को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ इन वाक्यों को पढ़िए। घंटी बज रही है, यहाँ घंटी एक है और उसके साथ लगी क्रिया बज रही है भी एक होने का बोध करा रही है, इसलिए घंटी शब्द एक वचन शब्द है। सुषमा ने घड़ी पहनी है, यहाँ घड़ी एक है, उसकी क्रिया पहनी है भी एक होने की बोधक है, इसलिए घड़ी भी एक वचन शब्द है। बच्चा रो रहा है, रीना मिठाई खा रही है, यहाँ बच्चा और मिठाई उनके एक होने का बोध करा रहा है और उनके साथ लगी क्रियाएं रो रहा है खा रही है भी एक होने की बोधक है, इसलिए बच्चा और मिठाई भी एक वचन शब्द हैं। तो आइए एक वचन की परिभाषा को पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति प्राणी अथवा वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अब हम बहुवचन के कुछ उदाहरणों को पढ़ते हैं। पहला वाक्य, तालाब में मछलियां तैर रही हैं। यहाँ मछलियां अनेक होने का बोध करा रही है, जबकि उनके साथ लगी क्रिया तैर रही हैं भी अनेक होने का बोधक है। और देखिए यहाँ हैं के पीछे बिंदी लगी है, इसका मतलब है कि ये अनेक होने का बोधक है। तो मछलियां शब्द बहुवचन शब्द है। अगला, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। पुस्तकें अनेक होने का बोध करा रही हैं और रखी है क्रिया भी अनेक होने का बोधक है, इसलिए पुस्तकें बहुवचन शब्द है। आकाश में पतंगे उड़ रही हैं, थाली में मिठाइयां रखी हैं। यहाँ पतंगे और मिठाइयां शब्द उनके एक से अधिक होने का बोध करा रही हैं और उनके साथ लगी क्रियाएं उड़ रही हैं, रखी हैं भी अनेक होने का बोधक है। आइए बहुवचन की परिभाषा को पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों, अब हम वचन की पहचान करना सीखेंगे। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है, पहला संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के द्वारा, दूसरा क्रिया के प्रयोग द्वारा। पहले हम संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के द्वारा वचन की पहचान करना सीखेंगे। तो आइए कुछ वाक्यों को पढ़कर जानें। बालक रो रहा है, यहाँ बालक संज्ञा शब्द है जो एक वचन का बोध करा रहा है और उसके साथ लगी क्रिया रो रहा है भी एक होने का बोधक है। दूसरा वाक्य, हम खाना खा रहे हैं, हम यहाँ सर्वनाम शब्द बहुवचन होने का बोध करा रहा है और उसके साथ लगी क्रिया भी
खा रहे हैं अनेक होने का बोधक है। अगला वाक्य, रश्मि के बाल लंबे हैं। बाल यहाँ संज्ञा शब्द है, लंबे विशेषण और हैं क्रिया शब्द है। अब लंबे हैं अनेक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए बाल संज्ञा शब्द भी बहुवचन शब्द है। अब क्रिया के प्रयोग द्वारा वचन की पहचान करना सीखेंगे। पहला वाक्य पढ़ते हैं, गुड़िया सो रही है। यहाँ सो रही है क्रिया एक वचन होने का बोध करा रही है, इसलिए गुड़िया शब्द भी एक वचन में प्रयोग हुआ है। अगला वाक्य, फूल खिले हैं। खिले हैं क्रिया बहुवचन के रूप में आई है, इसलिए फूल शब्द भी बहुवचन शब्द है। बच्चों, वचन बनाते समय कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एकवचन के रूप में प्रयोग होता है और कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन के शब्दों में प्रयोग होता है। तो आइए इन शब्दों के बारे में जानते हैं। सदैव एकवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, पानी, वर्षा, पेड़, फूल आदि। पहला वाक्य पढ़ते हैं, जैसे वर्षा से वाक्य बनाते हैं, वर्षा हो रही है। यहाँ हो रही है क्रिया एक वचन के रूप में आई है, तो वर्षा शब्द भी यहाँ सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है। अगला वाक्य, टब में पानी भरा है। अब पानी यहाँ संज्ञा शब्द है, भरा है क्रिया शब्द है। अब भरा है से हमें पता चलता है क्रिया एक होने का बोध करा रही है, इसलिए पानी शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। अब सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में जानते हैं, जैसे आंसू, समाचार, क्रोध आदि। पहला वाक्य बनाते हैं, टीवी पर समाचार आ रहे हैं। अब समाचार यहाँ संज्ञा शब्द है, उसके साथ जो क्रिया लगी है आ रहे हैं, वो अनेक होने का बोध करा रही है, मतलब वो बहुवचन के रूप में प्रयोग की गई है, तो इसलिए समाचार शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। दर्द के कारण आंसू बहने लगे। अब बहने लगे क्रिया यहाँ अनेक होने का बोध करा रही है, तो इसलिए आंसू शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। बच्चों, भाववाचक संज्ञाएं भी सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। आपने संज्ञा वाले चैप्टर में भाववाचक संज्ञाएं बनानी सीखी थी, तो उनमें से सभी भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, जैसे मानवता, वीरता, सुंदरता, अच्छाई, बुराई। तो चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं, मानवता मनुष्य का गुण है। यहाँ मानवता की बात हो रही है, जो एक भाववाचक संज्ञा है, और मानवता चाहे वो एक मनुष्य के लिए बोला जा रहा है या अनेक मनुष्यों के लिए बोला जा रहा है, पर मानवता भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयोग की जाएगी। अगला वाक्य, सैनिक वीरता से लड़े। यहाँ वीरता भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ वीरता की बात चाहे एक सैनिक के लिए हो रही है या अनेक सैनिकों के लिए, तो वीरता शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि भाववाचक संज्ञाएं वाक्यों में हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। बच्चों, आदर सूचक शब्द भी सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पहला वाक्य पढ़ते हैं, मेरी नानी जी आई हैं। तो यहाँ नानी जी तो एक हैं और उनके साथ जो लगी क्रिया आई हैं अनेक होने का बोधक है, तो अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम वाक्य इस तरह नहीं कह सकते कि मेरी नानी जी आई है, हम उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए वाक्य कहेंगे, मेरी नानी जी आई हैं।
अगला वाक्य, नेताजी भाषण दे रहे हैं। यहाँ नेताजी एक हैं और उनके साथ लगी क्रिया दे रहे हैं अनेक होने का बोध करा रही है। तो नेताजी को आदर देने के लिए हम वाक्य के साथ बहुवचन में क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए इन सभी शब्दों को हम विस्तार से जानते हैं। तो चलिए अपनी पुस्तक का पेज नंबर 57 निकाल लीजिए। तो चलिए इन शब्दों को पढ़ते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे आकाश, पानी, वर्षा, फूल आदि। यदि हम फूल से वाक्य बनाएं, फूल खिला है, फूल खिले हैं, दोनों वाक्यों में केवल क्रिया एक वचन और बहुवचन के रूप में बदल रही है, पर वाक्यों में फूल शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे दर्शन, आदेश, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में सिग्नेचर, महोदय, प्राण आदि। अब प्राण से यदि हम वाक्य बनाएं कि सभी को अपने प्राण प्यारे होते हैं, तो सभी से मतलब यहाँ सबके प्राणों की बात हो रही है, इसलिए प्राण शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। अगला, भाववाचक संज्ञा का सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। पहला वाक्य पढ़ते हैं, प्रिया की सुंदरता अतुलनीय है। अतुलनीय मतलब इनक्रेडिबल। सुंदरता शब्द यहाँ भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ सुंदरता हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। दूसरा वाक्य, राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलते थे। तो यहाँ सत्य शब्द भाववाचक संज्ञा है, जो एक वचन के रूप में प्रयोग की जा रही है। अगला, आदर देने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पहला वाक्य पढ़ते हैं, पिताजी दफ्तर से आ रहे हैं। यहाँ पिताजी शब्द एक वचन का बोध करा रहा है, बट उसके साथ लगी क्रिया आ रहे हैं बहुवचन का बोध करा रही है। तो बड़ों को आदर देने के लिए उनके साथ प्रयोग की गई क्रिया बहुवचन के रूप में आती है, जैसे पिताजी दफ्तर से आ रहे हैं। हमारी अध्यापिका बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो अध्यापिका यहाँ एक है और पढ़ाती हैं क्रिया अनेक का बोध करा रही है। तो बच्चों, आपको पता चला कि आदर देने के लिए सदैव वाक्यों के साथ क्रिया बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाती है। तो बच्चों, आपको आज का टॉपिक वचन इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो आपने इस चैप्टर की दो बार अच्छे से दोहराई करनी है और उनके डिफिकल्ट वर्ड्स को याद करना है। हम जल्द ही उपस्थित होंगे। टिल देन, गुड बाय।